देखिए गाइस, आज बात करने वाले HSRP की। अगर आपकी गाड़ी चाहे फोर व्हीलर है चाहे टू व्हीलर है, अगर आपकी गाड़ी पे HSRP नहीं लगा है तो देखिए आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में हम आपको यही सारी जानकारी बताएंगे, कैसे ऑनलाइन करें, क्या इसका प्रोसेस है, कितना चार्ज कटेगा। तो इसके लिए करना क्या, देखिए HSRP की ये वेबसाइट है, आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे देखिए आपको बुकिंग या फिर रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रैक ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ पे आप कलर स्टिकर मंगवा सकते हैं, बुक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप किसी तरीके इंक्वायरी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन करना है तो यहाँ पे लगा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लीज विद कलर स्टिकर, तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। जैसे यहाँ पर टिक कर, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करना कि आप किस स्टेट से आते हैं। देखिए अभी इतने स्टेट हैं जहाँ पर बुकिंग चलती है, तो अपना यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लें। अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर दें, चेस नंबर क्या है वो पूरा फिल कर देना है, इंजन नंबर क्या है वो पूरा फिल कर देना है, और ये कैप्चा यहाँ डाल के आपको क्लिक हेयर कर देना है। तो देखिए आपकी किस तरह की पेट्रोल की गाड़ी है, डीजल की गाड़ी, वो यहाँ पे आ जाएगा। कंपनी का नाम लिख के आ जाएगा, नॉन ट्रांसपोर्ट है वो लिख के आ जाएगा, टू व्हीलर फोर व्हीलर क्या है वो यहाँ लिख के आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर सिलेक्ट व्हीलर, देखिए स्कूटी है या फिर मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल है मोटरसाइकिल सेलेक्ट कर लेंगे। आप देखिए यहाँ पर ओनरशिप डिटेल देनी होगी। देखिए सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, जो आपकी RC पर लिखा है आपको यहाँ पर नाम फिल कर देना, ईमेल आईडी क्या है देना चाहते हैं दे सकते हैं। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर आपको जरूर फिल करना है, जो मोबाइल नंबर आप दबाना चाहते हैं वो डाल देना है। यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस फिल कर देना है, क्योंकि भाई डाक के द्वारा आपके घर पर आएगी, तो आपको यहाँ पर विद पिन कोड सही से आपको पूरा एड्रेस फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। तो देखिए जो भी आपने मोबाइल नंबर अभी दिया था उस पर एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर फिल कर देना है और यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, एक होम डिलीवरी और यहाँ पर लिखा है डीलर अपॉइंटमेंट। अगर देखिए आप होम डिलीवरी करेंगे तो यहाँ पर 125 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कटेगा, अगर आप डीलर अपॉइंटमेंट लेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर कोई चार्ज नहीं कटेगा। तो देखिए हम होम डिलीवरी करेंगे तो यहाँ पर होम वाली बटन पर टिक कर देंगे, एरिया का पिन कोड क्या वो यहाँ पर फिल कर देंगे और चेक अवेलेबिलिटी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर साफ लिख के आ जाएगा कि जो आप पिन कोड दे रहे हैं इस एरिया में यहाँ पर हमें होम डिलीवरी नहीं है। अगर आप मोबाइल नंबर दे के या फिर आप डायरेक्ट डीलर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जहाँ से आपने गाड़ी अपनी खरीदी है आप वहाँ पर भी अपनी जो HSRP है मंगवा सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर डीलर अपॉइंटमेंट लेंगे तो डीलर अपॉइंटमेंट टिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर सभी डीलरों की लिस्ट आ जाएगी, आपको देखिए यहाँ पर आपके डीलर का नाम आएगा। जैसे यहाँ पर आप टिक करेंगे तो देखिए कितना आपको चार्ज पड़ेगा, आपको यहाँ पर 495 रुपया पड़ेगा। डीलर का नाम क्या वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और 495 रुपये का आपको पेमेंट देना होगा। तो देखिए यहाँ पर डीलर कंफर्म कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा, देखिए कितने तारीख को यहाँ पर देखिए अपॉइंटमेंट लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ जो रेड कलर हो रहे हैं वो तो देखिए छुट्टीज हैं, और यहाँ पर देखिए स्लॉट नोट अवेलेबल है आपको यहाँ पर, जो देखिए ब्लैक कलर में डार्क हो रहे हैं, देखिए ये स्लॉट हैं ये अवेलेबल हैं, आप इस तारीख के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये जैसे 9 है और यहाँ पर देखिए 16 है, 17 है, 20 है, 21 है, तो जो भी है आप यहाँ पर ले, तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। और आप कितने टाइम यहाँ पर जाएंगे, देखिए यहाँ पर टाइमिंग लगे 10 से 12 या 12 से 2 या फिर 2 से 4 या फिर 4 से 6, तो जितना भी टाइम रखना है, जैसे मान लो 12 से 2 बजे के बीच रखेंगे तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है और यहाँ पर कंफर्म प्रोसेस कर देना। तो देखिए जो भी डिटेल आपने भरी थी वो सारी आपके सामने आ जाएगी, अब यहाँ से आपको कंफर्म प्रोसेस कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपकी सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, पूरा एड्रेस। अगर देखिए इस बॉक्स में अगर आप अपना दूसरा कोई नंबर देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं तो आपको यही नंबर रखना है, तो यहाँ पर आपको इस पर टिक कर देना है। वैसे यहाँ पर मोबाइल नंबर आपका आ जाएगा, उसके बाद नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके आना है, इस टर्म को आपको एक्सेप्ट कर लेना और पे ऑनलाइन कर देना है। तो देखिए आपके सामने इतने सारे पेमेंट के ऑप्शन आ जाएंगे, देखिए सारे हैं, UPI भी कर सकते हैं, कार्ड के, नेट बैंकिंग, वॉलेट या फिर EMI, जिसके मद से आप करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप पे लेटर है, अगर आप पे लेटर भी यूज करना चाहते हैं तो आप पे लेटर के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर UPI के माध्यम से करेंगे, तो UPI सेलेक्ट कर लेना। अगर आपको UPI ID डालना है, अगर UPI ID से करना है तो आपको UPI ID फिल कर देना। अगर आप QR कोड स्कैन करके करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर QR कोड पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू एंड पे कर देना है। अब देखिए यहाँ पर 495 का यहाँ पर QR कोड से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको भीम पे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी से भी आपको इसे स्कैन कर लेना है और अपने मोबाइल में प्रोसेस कंप्लीट कर देना है। तो देखिए हम यहाँ पे इस पेमेंट को डन कर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट स्लिप है जनरेट कर दी जाएगी। अब देखिए इस अपॉइंटमेंट स्लिप को आपको निकाल लेना है, जो भी आपका चार्ज कटा है इस पर सब चीज़ लिखा हुआ है और किस तारीख को आपने अपॉइंटमेंट लिया था, आपको उस तारीख को अपने जो भी आपने डीलर सेलेक्ट किया था उनके पास जाना होगा, अपनी एच में लेके आपको जाना होगा और HSRP लगा दी जाएगी। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इसे ट्रैक करना चाहते हैं ट्रैक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप HSRP ऑनलाइन कर सकते हैं और अपनी गाड़ी पे लगवा सकते हैं। वीडियो में जानकारी पसंद आई वीडियो को